ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक इन अ फ्रेश न्यू वीडियो गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे गेम के अंदर रैंक टोकन्स के अंदर भी न्यू बंडल आ चुका है गाइस। तो बहुत सारे हमारे प्यारे भाई लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक उस बंडल को नहीं ले रखा क्योंकि उनके पास इनफ रैंक टोकन्स नहीं है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिसको फॉलो करके आप लोग ढेर सारे रैंक टोकन्स बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर पाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखना जिससे आप सभी को सारे ट्रिक्स के बारे में इजीली तरीके से पता चल जाए। एंड एफएफ टोकन्स के अंदर भी न्यू बंडल आया हुआ है तो मैंने उसके बारे पहले से ही वीडियो बना दिया कैसे आप लोग ज्यादा एफएफ टोकन्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो उस वीडियो के लिंक मैं आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो उस वीडियो को जाके आप लोग वहां से वॉच कर सकते हो। एंड अभी भी बहुत सारे हमारे प्यारे भाई लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है एंड आप सभी के लिए हम लोग जो है यूजफुल वीडियोस लेकर आते हैं। सो प्लीज चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे देखिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बाजू वाली बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना कि हमारी कोई भी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन जो आप सभी से बिल्कुल भी मिस ना हो क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए लाइक मतलब जो भी आपके मन में हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक होगी तो उसके ऊपर हम आप सभी के लिए 100% वीडियो जरूर लेकर आएंगे। एंड जिन लोग से मुझे बातें वगैरह करनी होगी, जिनको मुझसे बातें वगैरह करनी है या फिर कुछ पूछना है, वो हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप सभी को जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग मुझे फॉलो करके डीएम जरूर कर देना, मैं आप सबको 100% वहां पर रिप्लाई जरूर देने वाला। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि मेरे पास कितने रैंक टोकन्स हैं। तो अगर सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने रैंक टोकन्स हैं, मैंने यहाँ इतने सारे रैंक टोकन कैसे कलेक्ट किया एंड आप लोग भी कैसे कलेक्ट कर सकते हो एंड कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने, जो हम लोग डेली करते जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा रैंक टोकन कलेक्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपके पास कितने सारे रैंक टोकन है उसको चेक करने के लिए आप सभी को सिंपल सा जगह इस मोड वाले सेक्शन पर चले जाना है। हम जहाँ से मैचेस वगैरह पिक करते हैं तो उस वाले सेक्शन पर आप सभी को आ जाना है। तो यहाँ पर बी आर के अंदर आपको लोगो दिखेगा, जितने भी लीग हो गए उसका लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना एंड राइट कॉर्नर पर आपको रिडीम ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस सीजन एंड पास सीजन दो ऑप्शन मिलेंगे एंड ऊपर में आप सभी का रैंक टोकन दिख जाएगा। मेरे पास अभी फिलहाल जो है लगभग 4000 के आसपास रैंक टोकन होने वाले हैं एंड यहाँ पे इनफ मैंने जितने भी बंडल्स हैं पहले से ही गाइस सबके सब रिडीम कर लिए गाइस। ये दो एक दो बचे हुए जो मैं रिडीम करने वाला हूँ वो तो मैंने अभी रिडीम नहीं किया बस आपको दिखाने के लिए। तो बाकी सारे के सारे जो यहाँ पे बंडल्स है वो मैंने रिडीम कर लिए एंड पास सीजन का तो जितने भी आइटम्स है सबका सब मैंने रिडीम कर रखा है जिसकी वजह से मेरे पास ज्यादा अभी नहीं दिख रहे, बट पहले मेरे पास बहुत सारे रैंक टोकन थे एंड पास सीजन का भी आपको दिखा देता हूँ कि एक भी चीज ऐसा नहीं है जो मैंने यहां से रिडीम ना कर रखा हूं। तो सोच सकते हो इन सभी को रिडीम करने के लिए भी कितने सारे जगह टोकन्स की जरूरत होगी। तो वही हमें ट्रिक बताने वाला आप सभी को जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा टोकन्स कम से कम टाइम के अंदर जो है गाइस क्लेम कर पाओगे। एंड चलिए हम लोग आप सभी को बताते हैं कैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है गाइस टोकन्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हमें जो ज्यादा से ज्यादा रैंक टोकन कहाँ से मिलता है वो मैं आपको बता दूं, वो है गाइस आप सभी का सीजन एंडिंग। गाइस आप सभी को पता होगा कि हाल ही फिलहाल में गाइस हमारा सीएस रैंक का जो सीजन एंडिंग हुआ है, तो सीजन एंडिंग जो होता है रैंक और सीएस रैंक का दोनों एंडिंग होने के बाद हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो आपको मिलता है वो होता है गाइस रैंक टोकन हो गए एंड कुछ कार्ड्स वगैरह हो गए, एक्सपी कार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। तो अगर आप लोग कितने लीग पे जाओगे तो कितने सारे टोकन्स मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रैंक पे चले जाना एंड रिवॉर्ड्स को चेक कर लेना गाइस यहाँ पर। तो सबसे पहले चलिए मैं आप सबको दिखा देता हूँ रिवर्ड्स पे। आप लोग अगर जाओगे तो नीचे यहाँ पे जो गाइस ब्रॉन्ज 2 से आपको रिवर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो पहले आपको 10 टोकन्स मिलेंगे, फिर 15, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपके टोकन इंक्रीज होते जाते हैं एंड सिर्फ रैंक टोकन्स ही नहीं मिलते, यहाँ पे आपको कुछ कार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, EXP कार्ड हो गए गाइस एंड गोल्ड कार्ड्स हो गए, कुछ इस टाइप के कार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, तो उनको आप लोग क्लेम कर सकते हो। एंड लास्ट आप सभी को रैंक पुशिंग करते करते जब मास्टर चले जाओगे तो वहाँ पर आपको 700 मिलने वाले जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसके बाद गाइस ये सीएस में भी होता है सेम टू सेम ऐसा, अगर आप लोग सीएस के जाके चेकआउट करोगे तो आप सबको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा रिवॉर्ड सिस्टम। उसमें भी गाइस कुछ यहाँ पे 10-15 करके इसमें जितना भी रैंक में आपको टोकन्स मिलेंगे उतना सीएस में भी मिलेंगे एंड अभी हाल ही फिलहाल में सीएस अगर आप लोग पुश करते हो रैंक हीरोइक के लिए तो आपको बहुत सारे यहाँ से रैंक टोकन्स मिल जाएंगे, कार्ड्स मिल जाएंगे एंड एनरल बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी भाई लोग यार पुश नहीं करते वो लोग पुश करें, पुश करने पर ही आप सभी को बहुत सारे जो है रैंक टोकन्स बिल्कुल ही फ्री के मिलने वाला है। एंड गाइस जो हमारा दूसरा ट्रिक है जिससे आप लोग बहुत सारे रैंक टोकन्स कम से कम टाइम में इनफ कर सकते हैं वो है गाइस मोड। गाइस मोड को लेके गाइस बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि हम लोग सीएस रैंक खेले या रैंक खेले जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गाइस रैंक वाले टोकन मिलेंगे। तो मैं आप सभी को आज लाइव एग्जाम्पल करके दिखाने वाला कौन से मोड में आप सभी को ज़्यादा खेलना चाहिए, कौन से मोड में आपको ज़्यादा जो कार्ड्स मिलने वाले हैं गाइस रैंक टोकन्स वाले, जिससे आपका टाइम भी बचेगा एंड आप लोग कम से कम टाइम के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड को कलेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आप सभी को सीएस रैंक में दिखाता हूँ कि कितने सारे आपको जो है रैंक टोकन्स मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं।
तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो हम लोग यहां पर 31 रैंक मैच जीत चुके हैं। एंड अब इसके बाद हम लोग देखने वाले कि इस मैच को जीतने के विनिंग रिवर्स में हमें कितने सारे जो है रैंक टोकन देखने को मिलने वाले। मेरा लीग भी यहां पर थोड़ा बहुत हाई है, डायमंड 3 एंड डायमंड 4 भी मैं जाने वाला हूं। एंड मैंने इस मैच के अंदर अच्छे खासे किल भी किए हुए, तो देखते हैं कितने सारे यहां पर जो गाइस रैंक टोकन के रिवर्ड्स मिलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग क्लियर कर पाओगे कि आपको कौन से मोड में ज्यादा फायदा होने वाला है। तो हम लोग इसको फटाफट से बैक कर देते हैं। मैंने यहां पर 4 किल किया हुआ था गाइस, फटाफट से बैक कर लेते हैं इसको। लाइक वगैरह किसी ने नहीं दिया सालों ने, कोई बात नहीं यार, देख लेंगे कभी इनको। तो फटाफट से हम लोग इसको बैक कर लेते हैं। होम स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं रिवॉर्ड के सेक्शन में सिर्फ हमें एक टोकन मिल रहा है जो हमारा इवेंट चल रहा है FFC का। उसके अलावा कोई भी हमें रिवॉर्ड नहीं देखने को मिला। इसका मतलब यह है कि साफ साफ आपको जो CS रैंक वगैरह आप लोग खेलोगे तो आपको टोकन्स नहीं मिलने वाले हैं रैंक वाले। क्या ये हाल बिल्कुल सेम टू सेम रैंक में भी है या नहीं है, तो चलिए हम लोग रैंक मैच को भी खेल कर देखते हैं। हम लोग एंड तक जाते हैं रैंक मैच के, तो हमें टोकन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गैस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रैंक में गैस मैं यहाँ पर टॉप 2 पे था। गैस यहाँ पर मेरा प्लस लग चुका है, तो अभी हम लोग आपको करके दिखाने वाले कि यहाँ पर कितने सारे आपको टोकन्स मिलने वाले हैं या फिर CS रैंक की तरह आपको टोकन्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर बैक कर लेते हैं। गैस रैंक खेलने के बहुत सारे फायदे वो मैं आगे बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं रिवॉर्ड में गैस मेरे को तो यहाँ पर टोकन तो मिले ही, साथ ही साथ रैंक के जो 3 टोकन्स मिले हैं 15, 15 एंड 10, यानी टोटल एक बार में मुझे यहाँ पर 40 टोकन मिल रहे गैस। एंड दिन भर में अगर आप 10 मैच भी खेलोगे तो 400 टोकन्स होने वाले। तो अब जितने ज़्यादा मैचेस खेलोगे रैंक के अंदर उतने ज़्यादा आप सभी को यहाँ पर टोकन मिलने वाला है। अगर इसका मतलब ये कि आप लोग जो है अपना टाइम बिल्कुल भी CS रैंक वगैरह में वेस्ट ना करें, जितना ज़्यादा हो सके अगर आप लोगों को टोकन कलेक्ट करना है फास्ट से फास्ट तो आपको रैंक मोड को ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए। तो मैं तो क्लियर हो चुका हूँ कि CS रैंक में आपको टोकन नहीं मिलने वाले, रैंक में आपको टोकन मिलने वाले। ऊपर से अगर आप लोग रैंक मैच भी खेलोगे तो आपको बहुत सारे फायदे, लाइक मतलब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है फुल मैप खेलने का। एंड उसके साथ वहाँ पर आप लिमिटेड चीज़ों में एकदम एक्सपर्ट जाएंगे, लाइक अगर लिमिटेड चीज में कैसे खेलना है वो सारी चीजें आप पे जो स्किल आपका इंप्रूव होगा। एंड साथ ही साथ आपका लेवल भी बहुत ही तेजी से ग्रो होगा। तो आपको रैंक खेलने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता चल ही होगा कि किस वाले मोड में आपको टोकन्स वगैरह मिल रहे हैं। तो आप सभी को CS रैंक बिल्कुल भी नहीं खेलें, ज्यादा से ज्यादा हो सके दिन के अंदर रैंक खेलने की कोशिश करनी है। एंड अगर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है गैस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, नीचे देखिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड बाजू वाली बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना कि हमारी कोई भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो आप सभी से बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज में आप सभी क्लियर लेकर आता रहूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना जितना जल्दी हो सके गैस, हमें 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। एंड कमेंट सेक्शन में गैस हमने आप सभी के लिए FF टोकन वाली कैसे आप लोग अगर लिमिटेड ले सकते हैं FF टोकन को, उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के लिए पिन कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग जो वॉच कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।